बीजेपी की पंचायती राज परिषद की तीसरी बैठक आज दमनदीप में आयोजित की गई, जिसमें पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने पुराना किस्सा भी सुनाया। पीएम ने कहा कि जब वे गुजरात के सीएम थे तो उनकी जमीन पर इतनी पकड़ मजबूत थी कि कोई भी जानकारी अफसरों को बाद में मिलती थी उनके पास पहले आ जाती थी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऐसे ही जमीनी स्तर पर काम करने को कहा। बता दें कि बीजेपी की पिछले 15 दिनों में ये तीसरी पंचायती राज परिषद की बैठक है। परिवर्तित करना है, हर मिनट कंपटीशन चलता ही है। देश के 100-125 जिलों के बीच में लगातार कंपटीशन चलती है और हर कोई आगे आने की कोशिश करता है, उसके कारण सुधार भी हो रहा है। मैंने देखा जहां पर हॉस्पिटल डिलीवरी यानी हमारी प्रसूता माताएं ज्यादातर डिलीवरी घर में ही करती थी और दायन से करवा लेती थी, कभी बच्चा मर जाता था, कभी मां मर जाती थी। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुड़वा ने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे, माताओं की मृत्यु नहीं होने देंगे, बच्चियों की मृत्यु नहीं होने देंगे, सुधार दिखने लगा है। हम टीबी मुक्त भारत का काम उठाया है, आपके जिले में एक भी टीबी का पेशेंट ऐसा ना हो जिसकी सरकार को जानकारी ना हो, एक भी टीबी का पेशेंट ऐसा ना हो कि भारत सरकार जो किट पहुंचाती है वो किट उसको ना पहुंची हो। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता है, हमारे चुने हुए लोग वो एक एक टीबी पेशेंट का जिम्मा ले ले और हफ्ते उसको फोन करे, कैसे हो भाई, तबीयत कैसी हो, दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो, फलानी चीज खाने के लिए दी है वो खाते हो कि नहीं खाते हो, इतना आराम करते हो नहीं करते हो, कुछ फर्क नजर उसको भी लगेगा, अरे ये मेरे मेरी तबीयत की चिंता करती है, चलो मैं भी करूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन जब ऐसे अभ्यास वर्गों में आए हैं तब प्रशासन से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको यहां बताई जाएगी, अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे विषय रखने वाले हैं। मैं ज्यादातर उस दिशा में नहीं गया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका भी विकास होना चाहिए, आपके क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, आप इजीली अवेलेबल होने चाहिए, सहजता से लोगों के बीच में होने चाहिए।